सब्सक्राइब कीजिए वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और सामने वाले घंटी के बटन को भी दबाइए और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक है क्लास 9 सीबीएसई मैथ और चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। इट वॉज वाइट वॉश्ड at the cost of rupees 498.96. The cost of whitewashing is rupees 2 per square meter. Find the inside surface area of dome. और दूसरे पार्ट में पूछा वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, यानी एक बिल्डिंग का जो एक डोम है वो किसकी फॉर्म में है, हेमिस्फीयर की, अंदर की साइड से एक हेमिस्फीयर की शेप में है। ठीक है, और इसको व्हाइट वॉश करने का जो कॉस्ट आया है वो है 498.96 रुपीस। अगर इसकी कॉस्ट, व्हाइट वॉश की कॉस्ट जो है 2 रुपीस पर स्क्वायर मीटर है, तो हमको निकालना है इनसाइड स्क्वायर एरिया ऑफ डोम और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड डोम, कि उसके अंदर कितनी एयर का कितना वॉल्यूम, मतलब जो एयर उसके अंदर होगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ये एक डोम बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये आपका बन गया डोम और ये आपका हो गया हेमिस्फेरिकल साइड में हो गया। ये उसकी यहां से लेके यहां तक रेडियस होगी। ठीक है, अब हमको दिया क्या हुआ है, कॉस्ट दी हुई, क्या दी हुई, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दी हुई है व्हाइट वॉश की, 498.96 रुपीस। ठीक है, और रेट दिया हुआ है, रेट रेट दिया हुआ है रुपीस 2 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पार्ट वन सोल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट वन मीन साइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो वी नो दैट कॉस्ट इज इक्वल टू गार्ड सरफेस एरिया सी एस ए इंटू रेट। ठीक है, तो और सी एस ए गार्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट अपॉन रेट। इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट कितनी है रुपीस 498, ठीक है, 0.96 498 डिवाइडेड बाई रुपीस 2 पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, सी एस से कितना आ जाएगा, तो रुपीज से रुपीज कट जाएगा, तो और 2 2 4। ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 9 18.2, 2 चौक 8 और 2 8 बचाएगा 2 8 16 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, सी एस ए आ गया आपका, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। ठीक है, अब ये कर्ड सरफेस एरिया है और कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, सी एस ए इज इक्वल टू कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 4 9.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 4 9.48 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 दूनी
बाईस और 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दिन 22, बचा 2 और फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और बचा कितना, 7, तो 11 6 66, 66 और 74 में से 66 गए, 14 में से 6 गए, 8, 11 8 88, ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 22.68 × 7 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, और 4 से ये फिर कट जाएगा, तो ये 4 से इसको इधर ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा 22.68 × 7 मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से कट जाएगा, 4 5 20, ठीक है, और बचे 2 और 4 6, पॉइंट लगा देंगे, 4 6 24, 24 और बचे 2, 4 7 28, ये कट गया। अब कितना हो गया, ये बच गया आपका 5.67 × 7 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 5.67 को 7 से, तो 7 7 49 का 9 और लगे 4, 7 6 42 और 4 46 का 6, हाथ लगे 4 और 7 5 35 और 4 39 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। तो आर कितना हो गया, आर इजिकल टू हो गया, अंडर रूट ले लेंगे इसका, 39.69, ठीक है, और ये हो गया मीटर, और ये हो जाएगा 6.3 मीटर। तो ये आ गया आर 6.3 मीटर। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई 2 2 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और 2 बाई 3 पाई की वैल्यू 22/7 ले ली, और आर कितना है, 6.3 × 6.3 × 6.3 और मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये मीटर, ठीक है, काट देंगे, 7 कितना है, 7 9 63.9 टाइम्स कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा 0.3 टाइम्स, ठीक है, तो हो जाएगा 44, इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 0.3 × 6.3 × 6.3 और मीटर क्यूब, इसी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 13, 13.2 इंटू, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39.69, 39.69 और मीटर क्यूब। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 523.908 और मीटर क्यूब। ये इतनी एयर उसके अंदर आएगी डोम के अंदर, और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है, और एयर कितनी आएगी, ये एयर आएगी उसके अंदर, ठीक है, जो वॉल्यूम हो निकाला हमने, ये ही इतनी उसके अंदर एयर आएगी, इतने 5.23.5 23.908 मीटर क्यूब उसके अंदर एयर आएगी डोम के अंदर, ठीक है, थैंक यू।
रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।